जय मसीह की दोस्तों, दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी में समय का बहुत ही बड़ा महत्व है। कभी समय अच्छा होता है तो कभी बुरा, क्योंकि बाइबल में सभोपदेशक अध्याय 3:1-15 आयतों को जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें आपको हर एक समय के बारे में पता चलेगा, क्योंकि परमेश्वर ही है जिनको हर एक समय के बारे में पता है। तो अगर हमारा समय कैसा भी चल रहा है, अच्छा या बुरा, तो परमेश्वर को सब पता है। कई बार क्या होता है कि हमारा समय बुरा चल रहा होता है, तो उसमें क्या होता है कि हम ज्यादातर परमेश्वर को कोसने लग जाते हैं। सेम जब परमेश्वर ने नबी मूसा को मिस्र में भेजा था, इसराइलियों को छुड़ाने के लिए भेजा, तो इसराइलियों की दुहाई को देखकर ही उन्होंने मूसा को भेजा था, लेकिन फिर भी इसराइलियों ने परमेश्वर को सिर्फ कोसा। परमेश्वर की आंखें हमेशा हमारे ऊपर लगी रहती हैं, उनको हमारी फिक्र होती है, उन्होंने हमारे बहाए हुए आंसुओं को कुपी में इकट्ठा रखा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, समय कैसा भी हो, सुख का, दुख का, खुशी का, गम का, रोने का, हंसने का, हर एक चीज का समय होता है। समय को बहुमूल्य समझकर अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाए और बोले कि प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, तो बस इन्हीं चीजों के लिए प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर कभी भी आपको समय या हालात देखकर आपको प्यार नहीं करते, वे सदा आपके और मेरे साथ रहते हैं और हमेशा आपको प्यार करते हैं।